नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है एक बार फिर से। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई शानदार ट्रिक्स। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है हार्ट मसाज। ट्रिक के माध्यम से हमको क्या याद रखना है, ट्रिक के माध्यम से हमको याद रखना है जहांगीर के समय आए प्रमुख विदेशी यात्री। जहांगीर जो राजा थे और उनके शासनकाल में जो भी विदेशी यात्री हैं उनको हम ट्रिक्स के माध्यम से कैसे याद रखते हैं उसके लिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों वीडियो इसकी मत कीजिएगा, इससे क्या होता है कि जो बीच में कंटेंट हम बता देते हैं वो छूट जाता है और ट्रिक आपको पूरी समझ में नहीं आती, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो आधी अधूरी रह जाती है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हार्ट से देखते हैं क्या हो जाएगा। हॉकिंस जो जहांगीर के समय आया था, हॉकिंस हो जाएगा, टामसेरो। और फिर है मैसाज का नेम ले लिया और इससे हो जाएगा मेनरिक। और सासे हो जाएगा सादिक। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे सासे जो है सादिफ हो गया है और उसके लिए यहाँ पे जो जा है वो साइलेंट है। और तो दोस्तों इसको आप हार्ट मौसा भी पढ़ सकते हैं या आप मैसाज से याद रख सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक की तरफ देख लेते हैं। यूएन के स्थायी सदस्य देश, यूएन क्या दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस, और उसके स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो उसके ट्रिक हमारी क्या है, फारू एबीसी, मतलब फारू एबीसी। ठीक है दोस्तों, अब फारू से क्या हो जाएगा, फांसी हो जाएगा फ्रांस। ठीक है दोस्तों, से हो जाएगा रूस। और एबीसी से क्या हो जाएगा, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन और सी से चीन। है ना दोस्तों मजेदार ट्रिक। तो यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, देश हैं, तो हम क्या याद रखेंगे, फारू एबीसी, फा से फ्रांस, रा से रूस, ए से अमेरिका और बी से ब्रिटेन और सी से चाइना। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली पर किन किन की बादशाहत रही है, दिल्ली पर किन किन लोगों की बादशाहत रही है, तो उसके लिए जो ट्रिक्स है हमारी वो क्या है, जी के ट्रिक्स को सलाम। जी के ट्रिक्स को सलाम, तो जी से क्या हो जाएगा, गुलाम। कैसे हो जाएगा, खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, मुंबई में तुगलक, फिर से सैयद, यल से लोदी और यम से मुवर। ठीक दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, जी के ट्रिक्स को सलाम। और उससे हमें याद रखना है कि दिल्ली पर किन किन की बादशाहत रही है, तो जी से गुलाम वंश की रही है और कैसे जीवन की रही है, डी से तुगलक की रही है, उसे जैसे सैयद की रही है, लोदी की रही है, एम से मुगलक की रही है, मुगल की रही है, मुगलों की रही है। मतलब नेक्स्ट है इतिहास में प्राचीन भारत के वंशों का कालानुक्रम। इतिहास में प्राचीन भारत के वंशों का कालानुक्रम उसको कैसे याद रखेंगे, हसीन मासूका या शानदार ट्रिक्स, हसीन मासूका। देख लेते हैं दोस्तों इसमें जो वर्ड्स हैं सबको अलग अलग किया गया है। तो ठीक है दोस्तों देखते हैं ट्रिक, हा से क्या हो जाएगा, हरे कौंस। ठीक दोस्तों, ये क्या है, इतिहास में प्राचीन भारत के वंशों का कालानुक्रम कि कौन सा वंश कब आया। ठीक है, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश।
quién se vaya ganando antes, más se vaya a morir antes, su se vaya a son antes, o a se vaya a can antes, a se vaya a antes, salta antes. तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों इतना तो बनता है, और अगर ट्रिक्स मज़ेदार लगी है तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों।